नमस्कार दोस्तों, ऑलराउंडर बात कर रहा हूँ। तो स्वागत है आप सबका ऑलराउंडर फैमिली में। तो देखो, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कितने बजे कर रहा हूँ इस पे ध्यान दे देना। दो बजे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ रात के, वो भी इंडिया में ऑलमोस्ट 2 बजे नाइट में सभी भाई सो जाते हैं, चाहे वो छोटा भाई हो चाहे वो बड़ा भाई हो, ऑलमोस्ट सभी भाई सो जाते हैं। लेकिन मैं आपका ऑलराउंडर फैमिली का सदस्य, आपको अपनी फैमिली मानता हूँ, आपको अपना छोटा और अपना बड़ा भाई मानता हूँ, मैं जाग रहा हूँ आप लोगों के लिए और मैच की वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि देखो, मैच ये कल होना है, ये 5 सितंबर 2023 को ये महामुकाबला आपको देखने को मिलेगा 10:30 पे। ये रात के दिन ये आपको देखने को मिलेगा, रात को खेला जाएगा ये मुकाबला 10:30 पे। तो ये कहाँ खेला जाएगा? नॉटिंगम में खेला जाएगा, यूनाइटेड किंगडम कहाँ पड़ता है? लंदन में नहीं, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड के होम ग्राउंड में ही खेले जा रहे हैं। तो इंग्लैंड का ग्राउंड होगा उनके साथ में, इंग्लैंड का क्राउड होगा उनके साथ में। तो न्यूजीलैंड, अभी 3 मुकाबले खेले गए इन दोनों टीमों के बीच में, तो 3 मुकाबलों में से 2 बार तो देखो इंग्लैंड जीती है और 1 बार ही जीती है न्यूजीलैंड। तो अभी जो पिछला मुकाबला इन दोनों की टीमों के बीच में हुआ था, उसमें न्यूजीलैंड जीती थी। एक अच्छा टारगेट दिया था, एक बड़ा टारगेट दिया था, 2 प्लेयर उस मैच में चले थे। तो भाई उस मैच में 2 प्लेयर की बदौलत एक बड़ा टारगेट मिला था इंग्लैंड को, उसको चेस करते समय इंग्लैंड हार गई थी, चेस नहीं कर पाई थी। तो उस मुकाबले में एक बड़ी सफलता मिली थी न्यूजीलैंड को। अब ये 4th मुकाबला है, अगर ये मुकाबला भी अगर इंग्लैंड की टीम जीत जाती है, ये इंग्लैंड की टीम अगर जीत जाती है ये मुकाबला, तो ये सीरीज जीत जाएगी। क्योंकि 4 मैचों की सीरीज में 2-3 मुकाबले इंग्लैंड के हक में चले जाएंगे और 1 मुकाबला ही रह जाएगा न्यूजीलैंड के हक में। तो न्यूजीलैंड बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ये मुकाबला इंग्लैंड जीते और सीरीज वो अपने हाथों से गवा बैठे। तो न्यूजीलैंड पूरी ताकत लगाएगी इस मैच में, और मेरे अकॉर्डिंग 2 प्लेयर इस मैच में काफ़ी अच्छा करते हुए दिखेंगे मुझे न्यूजीलैंड की तरफ से। एक तो देखो मैंने आपको बताया टिम सैफर्ट और फिलिपी, दो और एक प्लेयर और बताऊंगा मैं आपको, उसका नाम है फिन एलन। ये 2 प्लेयर मैंने आपको, 3 प्लेयर बताए हैं, ये चल सकते हैं, अच्छा मार सकते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को आगे ले जा सकते हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की टीम की, तो इंग्लैंड की टीम में देखो मैं एक प्लेयर आपको बताऊंगा जो कि बैट्समैन की भूमिका निभा रहा है, जो कि जोस बटलर करंट फॉर्म में चल रहे हैं इनकी टीम में, और जॉनी बेस्ट्रो और हैरी ब्रुक, ये 3 प्लेयर्स के मैंने जो नाम आपको अभी तक दिए हैं, दिखाए हैं स्क्रीन पे, तो ये प्लेयर्स चल सकते हैं, मार सकते हैं, फाड़ सकते हैं और धज्जियां उड़ा सकते हैं न्यूजीलैंड की। तो ये 3 प्लेयर ही मेन रोल अदा करेंगे इंग्लैंड की टीम में। और रही बात अगर मैं बात करूं डेविड मलान की और विल जैक्स की, तो इनमें से मुझे डेविड मलान में थोड़ा डाउट लग रहा है। विल जैक्स चल सकते हैं, हैरी ब्रुक चल सकते हैं और जोस बटलर का बल्ला चल सकता है और बैरिस्टो, ये 4 प्लेयर कल के मैच में अच्छा करते हुए आपको दिखेंगे इंग्लैंड की टीम से। और रही बात अब बॉलिंग डिपार्टमेंट की, अगर हम बात करें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी देखो आदिल रसीद अभी देखो फ्लॉप हुए थे पिछले मैच में, काफ़ी रन खाए थे इन्होंने, तो क्रिस जॉर्डन से भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। तो देखो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि इन दोनों में से कोई कल एक तो चलेगा, चाहे आदिल रसीद चले चाहे क्रिस जॉर्डन चले, लेकिन मेरे ज़्यादा चांसेस हैं आदिल रसीद के कल के मैच में, समझ रहे हो? तो इनके साथ आप जा सकते हो आदिल रसीद के साथ। और रही बात अगर हम बात करें ऑलराउंडर की, तो इस टीम में कितने ऑलराउंडर मैं आपको बताऊंगा, इस टीम में बहुत ऑलराउंडर आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ा ऑलराउंडर मोइन अली है, बॉलिंग भी करेंगे बैटिंग भी करेंगे काफ़ी अच्छी। तो उसके बाद है सेम करन, बॉलिंग भी बैटिंग भी, अगर बैटिंग में देखा जाए तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है इंग्लैंड के लिए। सेम करन अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और लिविंगस्टन तो हैं ही फिर ऑलराउंडर, लेकिन ये रन दे देते हैं, लीक करा देते हैं रन। जब बचत करने की बात आती है तो ये भाई इतने रन पड़वाते हैं कि भाई कितना भी बड़ा टारगेट हो छोटा टारगेट लगने लगता है। लिविंगस्टन से बॉलिंग ना ही कराई जाए तो ज़्यादा बेटर है इंग्लैंड के ग्राउंडों में स्पिनर का रोल ज़्यादा नहीं चल पाता। और ये जो प्लेयर का मैंने नाम बताया आपको अहमद है, ये अहमद जी अगर देखो अगर खिलाएंगे इन्हें तो अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। और अब डाउट है कि भाई ये अहमद खेलेंगे या फिर आदिल रसीद खेलेंगे। तो अब ये देखो मैंने आपको बता दिया इंग्लैंड के बारे में, अब न्यूजीलैंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो न्यूजीलैंड पे गौर करना हजारा सा, जो कौन कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जो कि कल के मैच में अच्छा करते हुए आपको देख सकते हैं। फिन एलन का बल्ला चल रहा है, बेजोड़ बल्ला चल रहा है, अगर फिर से चला तो भाई एक बड़ा टारगेट आपको फिर से देखने को मिलेगा कल के दिन। तो फिन एलन चलेंगे 100% चलेंगे भाई, इनको आप ड्रीम इलेवन में भी ले सकते हैं। तो वहीं पर डेविड कॉनवे से
देखो ज्यादा उम्मीदें नहीं है, अभी नहीं चल पा रहे हैं, अभी भाई स्ट्रगल कर रहे हैं। उस हिसाब से जो अभी आईपीएल में इनकी परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से मेरा नजरिया तो देखो इनके तरफ नहीं है, ज्यादातर मैं इनका साथ नहीं दूंगा। हाँ छोटी मोटी पारी खेल सकते हैं 30-35 रन की, लेकिन वो ज्यादा मायने नहीं रखती जो कि फिन एलन का बल्ला चल रहा है उस हिसाब से। और वहीं पर अगर एक प्लेयर की और बात करूँ, काफी धांसू परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है ग्लेन फिलिप्स, तो ये काफ़ी अच्छे करते हुए मुझे दिख सकते हैं। और रही बात ये जो प्लेयर है टिम सैफर्ट, तो टिम सैफर्ट्स भी चल सकते हैं। तो तीन प्लेयर मैं पिक कर लेना आप लोग, फिन एलन, ग्लेन फिलिप्स और टिम सैफर्ट, तीन प्लेयर्स मैंने आपको दिए हैं बैटिंग में जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। अब बॉलिंग डिपार्टमेंट में करते हैं बात, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में टिम साउदी की बॉलिंग देखो उस हिसाब से मुझे नज़र नहीं आ रही जिस हिसाब से चलनी चाहिए, लेकिन तो भी हम इनको टीम में लेंगे। और भाई इनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन रहेंगी इस मैच में कि भाई ये बॉलिंग करें और एक दो विकेट ले जाएं। ये जो बॉलर है मैट हेनरी, ये अच्छा करेगा, आपको इस मैच में भी अच्छा करता हुआ दिखेगा। पिछले मुकाबलों की अगर हम बात करें तो उसमें भी मैट हेनरी ने कम रन दिए हैं और विकेट भी लिए हैं, तो इनसे उम्मीदें की जा सकती हैं। और एक जो प्लेयर ये है मिलने, ये भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे, अपने चार ओवर में रन भी काफ़ी कम देंगे और भाई विकेट भी लेने में इन्हें सफलता मिलेगी। इस सोदी से मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, पिटर भी रहे हैं विकेट भी ले रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि भाई अगर चार ओवर में अगर आप 50 रन पीक खर्च कर दोगे तो भाई क्या मतलब है उस विकेट का। तो अगर मैं ऑलराउंडर की बात करूँ तो भाई ऑलराउंडर में ये जो प्लेयर है मिचेल, ये अच्छा कर सकता है, लेकिन भाई ये वही वाली बात है कि जब कभी अच्छा करते हैं, जब करते हैं तो अच्छा करते हैं, नहीं करते तो भाई फ्लॉप ही रहते हैं ये प्लेयर। और चैंपियन से मुझे उम्मीदें हैं, चैंपियन हिटिंग जोन में जाने जाते हैं, तो भाई मुझे ऑलराउंडर की भूमिका में मुझे इनसे पता है कि इनसे बॉलिंग नहीं करवाएगी न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन बैटिंग में ये हिटिंग कर सकते हैं, कम बॉलों में ज़्यादा रन मार सकते हैं। तो वहीं पर जिमी नीसम तो देखो खेल ही नहीं रहे हैं, अगर खिलाए जाएंगे तो हो सकता है कि भाई अच्छा करें। लेकिन जो मैंने मिचेल सेंटर में देखो यही वाली बात है कि भाई चार ओवर में यही एक मैन बॉलर हैं न्यूजीलैंड की तरफ से जो कि स्पिनर में अच्छा करते हुए आपको दिख सकते हैं, मिचेल सेंटनर। तो देखो मैंने आपको दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन बताया, कौन से प्लेयर्स अच्छा कर सकते हैं, कौन सा प्लेयर नहीं कर सकते। अब दोनों टीमों को अगर तुलना की जाए कि भाई कौन सी टीम कितने परसेंटेज इस मुकाबले में आगे है, कौन सी टीम जीत सकती है, तो देखो इंग्लैंड के चांसेस देखो कम नज़र आ रहे हैं, 37% चांसेस नज़र आ रहे हैं इंग्लैंड के। इंग्लैंड का होम ग्राउंड होने के बावजूद भी 37% ही दिख रहा है लोगों का नजरिया है, भाई अपना नजरिया नहीं है भाई, इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है कि 37% अगर इंग्लैंड के चांसेस नज़र आ रहे हैं तो वो हार जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और 63% चांसेस नज़र आ रहा है न्यूजीलैंड के, तो लोगों का मानना है, नज़रिया है कि भाई न्यूजीलैंड इस मैच में आगे नज़र आ रही है वोटों के हिसाब से। तो आगे चलते हैं, अगर हम बात करें इन दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की जो कि अभी हाल ही में रिसेंटली जो मैचेस खेल के आए हैं, तो पिछले 10 मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए हैं, तो 6 बार जीती है इंग्लैंड की टीम, वहीं पे 4 बार जीती है न्यूजीलैंड की टीम। तो साफ साफ दिख रहा होगा कि इंग्लैंड की टीम थोड़ा सा आगे है, क्योंकि उसको होम का एडवांटेज भी मिल रहा है, उसका क्राउड भी है और उसके साथ देखो फेवर भी कर रही हैं कुछ चीज़ें। और वहीं पे मैं बात करूंगा आपसे रिसेंटली जो अभी मैच हुआ था उन मैचों के बारे में, तो देखो कितना बड़ा टारगेट दिया था न्यूजीलैंड की टीम ने, 202 रन का टारगेट दिया था, उसके जवाब में 128 रन पर ही सिमट गई थी पूरी टीम, 174 रन से बड़ी जीत हासिल की थी न्यूजीलैंड ने। तो यहाँ पे बड़ा मार्जिन से जीत कर आई है, कॉन्फिडेंट में कोई कमी नहीं है न्यूजीलैंड के, तो हो सकता है कि इस मैच में आपको एक बड़ा जैकपॉट मिले, क्योंकि ये चौथा मैच है, लास्ट मैच है और डिसाइडेड मैच है कि भाई सीरीज तो देखो नाम अगर करनी है, सीरीज को नाम करना है तो इंग्लैंड को जीतना पड़ेगा, और सीरीज को बचाना है तो न्यूजीलैंड को इस मैच को जीतना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास अब सीरीज जीतने का मौका नहीं है, अब न्यूजीलैंड के पास है केवल सीरीज बचाने का। अगर भाई जीतती है तो सीरीज को बराबर करके सीरीज को बचा लेगी, अगर हार जाती है तो इंग्लैंड के नाम सीरीज चली जाएगी। तो अभी रिसेंटली जो परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाता हूँ, तो 74 रन से अभी जीत कर रही है न्यूजीलैंड, वहाँ पे 95 रन से इंग्लैंड जीती थी जो कि दूसरा मुकाबला था इन दोनों टीमों के बीच में। और वहीं पे अगर मैं बात करूं पहले मुकाबले की, तो 7 विकेट से इंग्लैंड की टीम जीती थी, तो 2 बड़े मार्जिन से इंग्लैंड की टीम जीत कर आ रही है। और एक बार जो थर्ड मुकाबला खेला गया था, तो थर्ड मुकाबले में 74 रन से न्यूजीलैंड की टीम जीती थी, क्यों जीती थी उसका भी एक रीजन है, 2 प्लेयर चले थे और फिन एलन ने 53 बॉलों में 83 रन मारे थे और एक अच्छी शानदार नॉट आउट पारी खेल के इस मैच को जितवाया था। तो आपको दिख रहा होगा ये एक दो प्लेयर्स
पे टीम पूरी की पूरी बैठी है न्यूजीलैंड की, फिन एलन और यहाँ पे टिम सैफर्ड और फिलिपी, ये तीन प्लेयर्स अगर चल जाते हैं तो भाई टीम का स्कोर अच्छा हो जाता है, नहीं चलते तो भाई नहीं चलेंगे, तो भाई फ्लॉप होगा और इंग्लैंड की टीम ये मैच जीत जाएगी। और देखो मैं आप जाते जाते आपको प्रेडिक्शन देकर जा रहा हूँ कि भाई इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत सकती है, तो भाई मैं सिर्फ इतना बोलूंगा आप लोगों से कि ये मुकाबला काफी टाइट हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर टाइट नहीं होगा तो वन साइडेड होके ये मैच इंग्लैंड जीत जाएगी। अगर टाइट होता है इस मैच में, अगर उतार चढ़ाव आके अगर इस मैच में उतार चढ़ाव आते हैं और इस मैच में अगर आपको न्यूजीलैंड की टीम ये टीम फेवरेट मिल जाती है, अगर फेवरेट मिल जाती है तो भाई प्लस करते चलना इंग्लैंड को, इंग्लैंड पे पूरा पैसा प्लस करते चलना, जितना भी है आप पूरा का पूरा शिफ्ट करते जाना इंग्लैंड को, तो लास्ट में आपको इंग्लैंड बोर्ड विनर मिल जाएगा। विन करती हुई दिखेगी आपको ये वाला मैच, ये जो मैच है ना, ये मैच नंबर 4th T20 जो कि इंग्लैंड के लिए बना है और इंग्लैंड ही जीतेगी ये मुकाबला। तो आपको यहाँ वहाँ नहीं घूमना है, बस आपको एक कोशिश करनी है कि जैसे ही मैच में न्यूजीलैंड की टीम फेवरेट आती है, ये टीम फेवरेट आती है, वैसे ही आप पूरा का पूरा माल इस पे टीम पे शिफ्ट कर देना, इस पे शिफ्ट करना है आप इंग्लैंड पे आपको प्लस करते जाना है जहाँ जहाँ आपको न्यूजीलैंड फेवरेट मिले पूरा माल इंग्लैंड पे लगाना है। तो ये मुकाबला जो खेला जा रहा है आपको दिख रहा होगा, ये मुकाबले की अगर मैं बात करूँ, ये 4th मुकाबला है, T20 मुकाबला है और ये लास्ट मुकाबला है T20 फॉर्मेट का। तो इसमें पैसे कमाने से चूकना मत मेरे भाई, और जितना भी आप पैसा कमाना चाहते हो वो सारा का सारा पैसा इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट करते जाना, इंग्लैंड की टीम आपको बोर्ड विनर मिल जाएगी। ये देखो मैच आपको 10:30 पे 5 सितंबर 2023 को देखने को मिलेगा, जो कि इंग्लैंड के होम ग्राउंड में देखने को मिलेगा। अभी टाइम है इस मुकाबले में, अभी मैं देखो 2:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ रात के समय, अभी ये मुकाबला कल होना है 10:30 बजे, तो अभी टाइम इतना है 24 घंटे के समथिंग बैठ रहा है, 11-12 घंटे के समथिंग बैठ रहा है, तो इस बीच में कुछ भी हो सकता है, उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, हो सकता है कि भाई जो प्लेयर्स के बारे में मैंने बताया उस प्लेयर्स में से कुछ प्लेयर्स ना खेलें टीम में, तो अगर टीम चेंज होती है बदलती है तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा जाते जाते, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ मेरी और आपकी मुलाकात होगी 11:30 बजे जब ये मैच खेला जाएगा, उसी बीच में मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम हार रही है, क्या रेट है, क्या जैकपॉट कॉल है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे, कहाँ करेंगे ऑलराउंडर फैमिली में। ये चैनल आपको दिख रहा होगा ऑलराउंडर फैमिली के नाम से, नहीं दिख रहा तो भाई मैंने आपको टिक कर दिया, देख लेना। यहाँ पे करना आपको कुछ नहीं है, प्ले स्टोर पर जाइए, सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम पर, जैसे डाउनलोड करते हैं मेरा चैनल सर्च कर लेना ऑलराउंडर, पहले डालना ऑल राउंडर फैमिली, पूरा नाम डालना है आपको, जैसे ही आता है नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन कर लेना, बस करना कुछ नहीं, ज्वाइन करना है आपको। जैसे ही ज्वाइन करोगे आप हमारी फैमिली का मेंबर बन जाओगे। मैं कभी भी किसी इंसान से कोई भी पैसा डिमांड नहीं करता और हमारे चैनल पर कभी भी किसी से पैसा नहीं मांगा जाता, जो भी काम है फ्री ऑफ कॉस्ट है और पूरे मैच में हाथ पकड़ के काम कराने का काम है। तो एक बार आप फिर से नोट कर लीजिए ऑलराउंडर फैमिली का चैनल और ज्वाइन कर लेना। कल देखो समय रहते 2 मैचेस हैं, एक बड़े मैचेस हैं, आपको एशिया कप का मैच भी मिलेगा और इसके बाद आपको लगे हाथ ये बड़ा मुकाबला भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं जाते जाते सिर्फ इतना ही बोलकर जा रहा हूँ कि भैया अंडर एस्टिमेट मत करना, बड़ा मैच है, अच्छा मैच है, पैसा देने वाला मैच है। और जाते जाते एक बात और करूंगा भाई, ये जो टीम है ना इंग्लैंड, इसके साथ ही आपको जाना है और एक बात और बताऊंगा मैं आपको, एक बार जाते जाते गूगल पे आप सर्च कर लेना, एक चीज सर्च कर लेना, क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ऑलराउंडर फैमिली, जैसे ही आप सर्च करोगे गूगल पे तो सबसे ऊपर मेरा चैनल आ जाएगा, ये रहा सबसे ऊपर दिख जाएगा। जैसे आप ऑलराउंडर फैमिली डालोगे, ये डालोगे ऑलराउंडर फैमिली गूगल पे, तो गूगल पे जैसे ही डालोगे तो मेरा चैनल आपको दिखने लगेगा। जैसे ही आप टिक करोगे इस पे तो डायरेक्टली आप मेरे चैनल पर आ जाओगे, मेन चैनल पर आ जाओगे, तो यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, तो सब्सक्राइब दबा कर करो, प्यार दो भाई मुझे, प्यार दो। ये 2 बजे जो वीडियो बना रहा हूँ शाम के, अगर रात में 4 बजे भी बनानी पड़ी तो 4 बजे भी बनाऊंगा, 3 बजे बनानी पड़ी तो 3 बजे भी बनाऊंगा, और हाथ पकड़ कर हर मैच में काम कराना पड़ा तो उसमें भी कराऊंगा, कंजूसी नहीं दिखेगी, जागता रहूंगा, चाय पीता रहूंगा, खाना कम खाऊंगा, सोऊंगा नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, मेहनत करोगे तो भाई आगे बढ़ जाऊंगा, अगर नहीं करोगे तो भाई डीमोटिवेट होके भाई वीडियो बंद कर दूंगा। ये आप लोगों को डिसाइड करना है, करना क्या है, ये यहाँ पे गला फाड़ रहा हूँ रात के 2:30 बजे, अगर आपको
उसकी मेहनत देख के आपको सब्सक्राइब करना है, काम देख के भाई अगर टीमें जीत रही हैं आपका प्रॉफिट हो रहा है उस देख के, उस सारी चीजों को देख के कंक्लूजन निकाल के आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो भैया कर लेना, नहीं करना तो भाई मेरी वीडियो को मत देखना। बस यही बोलूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे छोटे और मेरे बड़े भाइयों, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा भाई, ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, ये आपका खुद का डिसीजन है। तो चैनल आपको दिख रहा होगा ऑलराउंडर फैमिली के नाम से, जो कि मैंने अभी मार्क किया है, यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट भाई सब्सक्राइब होता है, कोई पैसे नहीं लगते, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाया करेगी, जैसे अगर आपने सब्सक्राइब किया तो। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ये एक बार वीडियो देखोगे, अगर एक बार आपने मुझे खो दिया तो जिंदगी भर सर्च करते रहना, आपको याद नहीं आऊंगा मैं। तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना है आप सबको। तो जाते जाते मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, मैच की प्रेडिक्शन तो देखो मैंने आपको दे दी, मैच कौन जीत रहा है, कौन सी टीम जीत रही है मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बता दूंगा, कल का मैच जो है मैच नंबर 4th T20 जो कि इन दोनों टीमों के बीच में खेला जाना है, तो कौन जीत रहा है, इंग्लैंड जीत रही है, ठीक है, ENGLAND इंग्लैंड कल जीतेगी, समझ रहे हो, इंग्लैंड की टीम जीतेगी, ये टीम जीत रही है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ENGLAND इंग्लैंड विन, ठीक है मैंने आपको डाल दिया, आपने देख लिया। अब जाते जाते आप, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सो जाऊंगा मैं भी, वीडियो अपलोड करके थोड़ी एडिटिंग करनी है, लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ एक ही बात बोलकर जा रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, बस और कुछ नहीं बोलूंगा, बस खुशी मिलती है उससे, और कुछ नहीं है। चलो चलिए।